ये है गौमुख, रिवर गंगा का सोर्स। गौमुख आता है गंगोत्री ग्लेशियर्स में, जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। वैसे तो जा रहे थे हम तपोवन, लेकिन आकर रुक गए हम गौमुख में। यहाँ कैसे पहुंचे, हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कितने दिन लगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चलते हैं थोड़ा सा पीछे और देखते हैं कि मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी और कब देखते ही देखते हमारा समर ट्रैक बदल गया विंटर ट्रैक में। तपोवन तक जाने के लिए मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ देहरादून से। तो ये एक ट्रैक है जो 8 दिन तक चलेगा। तो पहले हम देहरादून से जाएंगे गंगोत्री देहरादून से अराउंड 250 किलोमीटर्स है, तो हमको लग जाएंगे 9 से 10 घंटे, डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशन और क्या सिचुएशन रहती है। और एक दिन हम गंगोत्री में एक्लोटाइज भी करेंगे, बिकॉज हम ये एक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है। और उसके बाद हम तपोवन जाएंगे, एक एक दिन रुक के एक एक बेस कैंप में, और ये जाएंगे हम गौमुख से। तो बेसिकली हमको गौमुख ग्लेशियर क्रॉस करके फाइनली हम पहुँचेंगे अपने समिट में। तो मई का मंथ ऑलमोस्ट एंड हो गया है और ये होने वाला है स्टार्ट जून का। और ये एक समर ट्रैक है, इवन तो ये समर ट्रैक है और हम हाई एल्टीट्यूड ट्रैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो नेगेटिव में होगा, यानी कि 0 के नीचे होगा। तो इसका मतलब आपको गर्म कपड़े भी बहुत कैरी करने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने पूरा अपना रक्षक कैरी किया है। मेरा जो रक्षक है ये है 55 लीटर्स का। तो यूजुअली जब मैं ऐसे गर्म कपड़े कैरी करता हूँ तो मेरे अराउंड लाइक 12-13 kg के आसपास हो जाते हैं। तो मेरा ऑलरेडी हो गया है 12-13 kg, लेकिन मेरा जो इस बैग का वेट है वो ऑल पहुँच गया है 15 kg के आसपास, बिकॉज मैं कैमरे के गैजेट्स भी लेके कैरी कर रहा हूँ, बैटरीज है उसमें, पावर बैंक है, ड्रोन है, तो उसकी वजह से 15 kg मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो एनीवे इसको लेके ट्रैवल तो करना है, बिकॉज मिनिमम आपका एक होना चाहिए कि आप 15 से 16 kg आप आराम से शोल्डर पर डाल के आप ट्रैक कर सको। चलिए अब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं गंगोत्री के लिए। हाँ, बज गए हैं सुबह के 6 और अभी मैं निकल रहा हूँ गंगोत्री के लिए। तो हम लोग ग्रुप में होंगे तो TT से जाएंगे या फिर बोलेरो से, देखते हैं वहाँ चल के। हमें पहले दिन जाना था गंगोत्री और हम पहुँच गए सुबह 7 बजे अपने पिकअप पॉइंट पर। यहाँ से हम बैठे बोलेरो में और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर देहरादून से। मैं पहुँच गया हूँ गंगोत्री। कल की जो जर्नी थी हमारी बहुत हैक्टिक थी, हमको 14 घंटे लग गए देहरादून से गंगोत्री तक आने में। गंगोत्री में आज हमारा है एक्लिमेटाइजेशन डे। कल यहाँ से जाएंगे सीधे हम चीरबासा, उसके बाद निकलेंगे भोजवासा, फिर जाएंगे गौमुख, उसके बाद जाएंगे फाइनल समिट में जो कि है तपोवन। तो हमारा ये 3rd डे है, यहाँ से निकल रहे सीधे अब हम चीरबासा के लिए। चीरबासा जा रहे हैं ना पहले? Yes. चीरबासा के लिए। तो ये हमारी जो जर्नी रहेगी, यहाँ का ट्रैक रहेगा 9 किलोमीटर्स का। तो अभी हम लोग गंगोत्री से स्टार्ट करेंगे, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ग्रेजुअल एसेंट रहेगा, ज़्यादा स्ट्रेनस नहीं होना चाहिए। एनीवे अभी यहाँ से निकलते हैं, बीच में एक चेक पोस्ट आएगा जहाँ पर हम लोग की एक परमिट बेसिकली लगता है इस ट्रैक को करने से पहले, क्योंकि ये गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो आगे चलते पहले देखते हैं वहाँ पर क्या है। ये जो आपको टेंपल दिख रहा है ये है गंगोत्री टेंपल। ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है। ये जो तपोवन ट्रैक है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आता है। चलते हैं आगे आगे, अभी तो 3-4 दिन पूरा कंटिन्यूसली ट्रैक करना है आपको, देखते हैं। अब हम घुस गए हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। मंदिर है क्या ये? इस वाले चेक पोस्ट में आपका परमिट वगैरह चेक होएगा। यहाँ पे बेसिकली कैमरा वगैरह आप कैरी कर रहे हो तो उसके लिए आपको पर गैजेट 500 रुपीज़ यहाँ पड़ता है। किसी भी प्रकार की गंदगी या कचरा नहीं फैलाऊंगा। ये जो चेक पोस्ट था यहाँ को आपको ओथ वगैरह लेने पड़ती है, ये क्योंकि आप गंगोत्री नेशनल पार्क में एंटर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, जितने गैजेट्स होंगे उतना आपको पर आइटम का 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा
चेक पोस्ट पर। और ये यहाँ से चीरबासा तक का जो ट्रेल है वो पूरा ऐसी रहेगा, क्लिफ के साइड में एक पैसेज है, आपको ऐसे ही चलते रहना है, एक तरफ खाई है एक तरफ रॉक्स है। लैंडस्केप देखो यार, अमेजिंग। सागर भाई क्या हाल है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये है हमारे सागर भाई, हमारे ट्रिप के फोटोग्राफर हम सबकी अच्छी अच्छी पिक्स निकालने के लिए आए हुए हैं इस ट्रिप में। कृष्ण भैया मोटिवेशन वाली कुछ बातें बोलिए। मोटिवेशन में क्या बोलना है? आप बोलिए, आप कैमरा के सामने हो। तो कैमरा के सामने बोलती बंद हो जाती मेरी। मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना तो ज्यादा ज्यादा हमारा झूठ रहता है। अच्छा, बस यहीं पे थोड़ा, बस यहीं पे, बस यहीं से हम को आती है। यहाँ पर पहनना है हमको ये हेलमेट बिकॉज रॉकफॉल जोन है। लेबर वाला हेलमेट, क्या स्ट्रगल कर रहा है क्या? इसको लूज करना है। गंगोत्री से तपोवन तक जाने के रास्ते में काफी रॉकफॉल एरियाज आते हैं, जिसकी वजह से हमने एज अ सेफ्टी हेलमेट्स पहने। चीड़बासा जाने तक हमको पानी के स्ट्रीम्स ज्यादा दिखे नहीं, जो भी स्ट्रीम्स दिखे उसका पानी काफी सिल्टी था। और फिर हमें एक ऐसा स्ट्रीम मिला जहां से साफ पानी फ्लो होता दिख रहा था, और फिर क्या, हमने वो मौका नहीं छोड़ा और अपनी बॉटल्स को रिफिल कर लिया। 7 घंटे ट्रैक करने के बाद हम पहुंचे चीड़बासा, जो कि हमारा सबसे पहला कैंप साइट था। यहाँ पर हमने अपने टेंट्स पिच किए, और सीन्स ये हमारा टायरसम ट्रैक था तो हम सीधे घुस गए अपने अपने टेंट्स में। एक में दो लोग आ जाएंगे, मैट डाल दिया, बस स्लीपिंग बैग डालना है, बाकी बस हो जाएगा। तो ये है 4th डे की मॉर्निंग, हम हैं चीड़बासा में। अब यहाँ से निकलने वाले हैं हम भोजवासा की तरफ। ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ किलोमीटर्स होगा यहाँ से भोजवासा की तरफ, ट्रेल ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। तो अब क्या, अभी बच रहे हैं अराउंड 7:30, हम निकलने वाले हैं नेक्स्ट 1 घंटे में यहाँ से। वेदर थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया, रात को बहुत बारिश हुई थी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे नहीं होने चाहिए। यहाँ से कुछ कुछ पीक्स हमको दिख रहे हैं अभी, ओके, इस कैंप साइट में, ये हमारा पहला कैंप साइट है फिलहाल के लिए। अभी सब कुछ रैप अप करना है, टेंट निकालेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधे भोजवासा की तरफ, चलते हैं। चीड़बासा से भोजवासा हमारा कंपैरेटिवली 1st डे से इजी था, हम ऑलरेडी इस ट्रैक के ट्रेल से थोड़ा बहुत फेमुलियर हो चुके थे। अमेजिंग लैंडस्केप। अब हम एक ऐसे जोन में एंटर कर रहे हैं जो बहुत रिस्की जोन है, और इस टूर का ये सबसे डेंजरस वाला है ना। क्या होने वाला है यहाँ पे इसके बाद गाइस? जो मतलब ये वाला रोड है इसमें बहुत ही रॉकफॉल वाला एरिया है, वन बाय वन करके क्रॉस करना पड़ेगा इसमें। जैसे कि हमें ऊपर एक बंदा ऊपर नजर रखिए कि रॉकफॉल तो नहीं हो रहा, फिर ट्रैकर्स पार करेंगे रास्ता, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट है जो कि तपोवन की गौमुख से लगता है और तपोवन की ऊपर सेम है ये दोनों रास्ते। रॉकफॉल जोन काफ़ी स्केरी एंड डेंजरस था, ये पूरा 10 मिनट का स्ट्रेच था जो हमको बहुत केयरफुल्ली क्रॉस करना पड़ रहा था। आपको यहाँ पर लिटरली छोटे से बड़े पत्थर गिरते हुए दिख सकते हैं। हाँ अभी गिर रहा है, इधर से भी गिर रहा है, वो देख इधर भी गिर रहा है। कुछ 5 घंटे चलने के बाद हम पहुंचे सीधे भोजवासा, जो कि हमारा 2nd कैंपसाइट था। यहां पर हवा काफी चल रही थी जिसकी वजह से टेंट सेटअप करने में काफी दिक्कत आई, लेकिन फाइनली हमारा टेंट सेटअप हो गया। ये है हमारा 5th डे। कल इवनिंग में हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि वेदर फोरकास्ट यहां का बहुत ही ख़राब है नेक्स्ट 3-4 डेज का, तो हमको लग रहा था कि हमारा अब सबमिट पॉसिबल नहीं है। तो मॉर्निंग तक, तो अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है ये है कि हमको अब 2 दिन का जो पूरा ट्रैक है वो 1 दिन में कंप्लीट करना होगा। तो बेसिकली हमारा आज का जो प्लान था, यहाँ से सीधे हमको जाना था तपोवन, वहाँ पे हमको कैंप करना था, वो हमारा 3rd कैंप साइट होता, लेकिन वेदर बहुत ही ख़राब है और उसकी वजह से हम कैंप वहाँ नहीं कर पाएंगे, तो हमको वापस यहीं पर आना पड़ेगा। तो आज का ट्रैक हमारा बहुत ही स्ट्रेनुअस होने वाला है, तो हम गौमुख क्रॉस करके जाएंगे पहले तपोवन,
क्योंकि तपोवन मेन है, वो हाइट पर है, वहीं से माउंट शिवलिंग दिखती है। उसके बाद वापस आते वक्त हम गौमुख ग्लेशियर विज़िट करते हुए यहाँ पे वापस आएंगे। तो अब देखते हैं, अगर भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा तो माउंट शिवलिंग देखने मिल जाएगा। यहाँ पे भोजवासा से जाने के लिए गौमुख की तरफ, पहले सबसे हम लोग को क्या करना है, यहाँ से क्रॉस करना है इस रिवर को। इस रिवर को क्रॉस करने के लिए ये पुली का सिस्टम यूज़ किया जाता है। हम ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर थोड़ी ब्रॉड है और बहुत डीप है और वाटर बहुत ही चिल है, तो इसके लिए यहाँ पे पुली का कॉन्सेप्ट है। तो ये पुली क्या है, पुली में क्या होता है, एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली में अराउंड 4 लोग आ जाते हैं और उस पुली ट्रॉली को मैनुअली पुल किया जाता है दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है, तो जैसे हमारा पूरा ग्रुप है तो ये पूरा करने के लिए हमको 1 से 1.5 घंटे शायद लग जाएंगे, तब भी हम वहाँ से फिर आगे चढ़ेंगे। ये है पुली वाले मजे। हम लोग इस साइड क्रॉस करके आ गए, हम लोग को वो पुली पुल भी करना आ रहे, चले आ रहे आ रहे, पुल भी करना है। वेदर पूरा खराब हो गया, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। ये सबसे बड़ा टास्क था पुली को खींचना। पहले तो हम 2-3 लोग रिवर क्रॉस करके आ गए, उसके बाद हमने पुली खींचकर बाकी सबको लाने में मदद की। हाथ हमारे फ्रीज हो जा रहे थे लेकिन पुली को खींचना भी जरूरी था। ये एक लेबोरियस टास्क जरूर था लेकिन साथ में एक फन भी। जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है अभी तो यार। ओ गॉड, कैसे हो आप लोग, देख लो इधर की हालत। आप लोग बोलते हो घूमने आना है, इधर घूमने आना है, हाँ जाओ और आओ इधर, यही पे स्नोफॉल हो गई है यार। क्या सर, क्या हाल है? हाल तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा। अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। हम लोग ऊपर जाएंगे आज, हाँ? बाबा को दर्शन करेंगे तो पूरा सारे हाल जिसका खराब था वो सब बिगड़ हुआ का हाल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी खीर बनाएंगे, ऐसी खीर बनाएंगे, ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हमने वार्म अप किया, उसके बाद फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तपोवन के लिए। स्नोफॉल इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि हमारी तपोवन तक पहुंचने की सारी होप्स अब जा चुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद हमें ये तक लगने लगा था कि अब शायद गौमुख भी ना हो पाए, और हम जो तपोवन जाने के सपने देख रहे थे अब हमारा ये सपना और भी छोटा हो चुका था। स्नोफॉल होने के बाद ट्रैक करने बहुत टायरिंग हो जाता है, बॉडी बहुत एग्जॉस्ट कर जाती है, डिहाइड्रेट होती है। हैवी स्नोफॉल की वजह से हमें कुछ मीटर्स पर दिखना भी बंद हो रहा था। हमने यहाँ से बहुत ही पेशेंस से आगे स्टेप्स लेने शुरू किए। हमारे ट्रैक लीडर जो फ्रंट में थे वो रास्ता आइडेंटिफाई करके ट्रेल बनाते थे और हम उन्हें फॉलो करते थे। फॉलो करते करते हम कितनी दूर पहुँच गए कि हमें पता ही नहीं चला, और फिर हमने ये देखा, ग्लेशियर। तो हम आ गए हैं गौमुख ग्लेशियर, ये है पूरा ग्लेशियर और वो है गौमुख। माय गॉड, यहाँ पे माउंट शिवलिंग दिखना चाहिए, दिख नहीं रहा है, इसीलिए हमको ऐसे आगे ट्रैक करके तपोवन तक जाना था, अब वो बिल्कुल पॉसिबल लग नहीं रहा है। माय गॉड, धीरे ग्लेशियर आपके मेल्ट होते जा रहे हैं, हाँ। और अभी कुछ टाइम अगर 10 साल बाद आप फिर आओगे, 10 साल 15 साल बाद, जो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको 10 मीटर या 20 मीटर आपको कहीं ना कहीं और पीछे जाता हुआ दिखेगा, ऊपर से आप रॉक फॉल एरिया भी देख लो। तपोवन जाने का रूट ये है, पीछे से हम लोग तपोवन के लिए। ये जो आपको ऊपर वाला पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से जाना था हमको तपोवन। ये काफी रॉकफॉल प्रोन एरिया है और ये ट्रेल आगे तपोवन तक और भी स्टीप हो जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद वेदर और भी खराब हो चुका था और हमारा तपोवन जाने का सपना अब कम्प्लीटली खत्म हो चुका था। यहाँ से जाना था तो बस वापस जहाँ से आए थे, लेकिन हमारा यहाँ तक भी पहुँचना इस वेदर में अपने में एक बड़ी बात थी जिसके लिए हम सब थैंकफुल थे।
माउंट शिवलिंग के दर्शन करने की इच्छा हमारी रह गई, लेकिन वो कमी हमारी पूरी हुई गौमुख के दर्शन करके। हम भले ही शिवलिंग देखकर वापस नहीं लौटे, लेकिन हम लेकर गए अपने साथ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज, और इस तरह हमारा 7 से 8 दिन का ट्रैक पूरा हुआ। हर ट्रैक की तरह इस ट्रैक में भी मैंने काफी कुछ सीखा। बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने 7 से 8 दिन तक इस ट्रैक को मेमोरेबल बनाया। तो ये थी मेरी गौमुख की जर्नी। दुनिया जाए पहाड़ में, हम हैं पहाड़ में।